मान्यता दत्त आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही हैं। अपनी बोल्ड पिक्चर्स को लेकर मान्यता काफी सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन एक छोटे शहर की ये लड़की बॉलीवुड के बड़े स्टार संजय दत्त की वाइफ कैसे बनी जानते हैं आप? चलिए बताते हैं आपको मान्यता का एक स्मॉल टाउन गर्ल से संजय दत्त की वाइफ बनने तक का सफर कैसे शुरू हुआ। मान्यता दत्त का जन्म एक मुस्लिम फैमिली में 22 जुलाई 1979 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम दिल नवाज शेख है। मान्यता दुबई में पली बड़ी है। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो मुंबई आकर बस गई। मान्यता फिल्म इंडस्ट्री में पहले सारा खान के नाम से जानी जाती थी। बाद में मान्यता ने साल 2003 में आई प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में एक आइटम नंबर किया था और प्रकाश झा ने ही उन्हें मान्यता नाम दिया था। फिल्म गंगा जल में आइटम नंबर से मान्यता को उम्मीद थी कि इसके बाद उनका फिल्मी करियर बेहतर होगा, लेकिन इसके बाद उनकी मुलाकात हुई संजय दत्त से। मान्यता की संजय दत्त से मुलाकात प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने करवाई थी। बताया जाता है कि उस वक्त मान्यता फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रही थी। नितिन मनमोहन के जरिए हुई इस मुलाकात के बाद मान्यता की संजय से काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद खबरें आई कि मान्यता ने संजय दत्त के घर आना जाना शुरू कर दिया है। हालांकि उन दिनों संजय नादिया दुरानी के साथ रिलेशनशिप में थे। बताया जाता है कि जब भी नादिया शहर से बाहर होती, मान्यता संजय दत्त से मिलने पहुंच जाती। उन्होंने उस कहावत का पूरा इस्तेमाल किया जिसमें कहा जाता है कि किसी आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। कहा जाता है कि मान्यता अक्सर संजय के लिए उनकी फेवरेट डिशेस बनाया करती थी। लेकिन साल 2008 में 7 फरवरी को संजय और मान्यता ने गोवा में शादी कर ली। मान्यता उम्र में संजय दत्त से लगभग 20 साल छोटी है। मान्यता 39 इयर्स की है, तो वहीं संजय दत्त की एज 58 इयर्स है। ये संजय दत्त की तीसरी शादी थी। संजय की पहली शादी ऋचा शर्मा और दूसरी शादी रिया पिल्लई से हुई थी। मान्यता की ये दूसरी शादी थी। संजय से पहले मान्यता ने मिराज उल रहमान से शादी की थी। वेल, तो ये थी मान्यता की एक छोटी शहर की लड़की से एक स्टार की बीवी बनने की कहानी। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज़ और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।